हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आर्थिक निशा ड्राइंग में। आज मैं चित्रकला कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर कराने जा रही हूँ, जिसका समय है 3 घंटे। समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। प्रश्न पत्र में 2 खंड, खंड अ एवं खंड ब में विभाजित हैं। खंड अ में 20 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक दिए गए हैं। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसके 20 अंक निर्धारित हैं। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है अथवा पंचमढ़ी किस प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध कलाकार मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? 1915 में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है ईंटों से बने मकान तथा स्नानागार। बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार थे रवीन्द्रनाथ टैगोर। पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रिय फूल था गुलाब। अजंता की गुफाओं की खोज हुई 1819 में। मिर्जापुर की चित्रकारी का समय माना जा सकता है 5000 वर्ष ईसा पूर्व। मुगल शैली के सर्वप्रथम चित्र किस शैली के हैं? ईरानी शैली के। पहाड़ी चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है? हिमाचल प्रदेश। ओस्टवाल चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? 4। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 7। हरा रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग। बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल और नीला। आसमानी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? नीला और सफेद। शीतल रंग कौन सा है? हरा। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? बौद्ध काल। राजस्थानी चित्रकला के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं? हिंदू।
उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? मिर्जापुर। चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक है? मेघदूत। हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल। ऐसे ही ओएमआर आती है उसमें, जिसमें आप लोग को मतलब यहाँ नाम लिखना होगा अपना, यहाँ अनुक्रमांक, फिर विषय, फिर दिनांक, और यहाँ पे जैसे पहले का पहला सही है तो उसको रंगना है, दूसरे का तीसरा सही है सी तो सी रंगना है, ऐसे ही ओएमआर भरना है। अब इसके बाद आता है खंड क। खंड क प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन। अगर आप प्राकृतिक दृश्य बना रहे हैं तो आलेखन नहीं बनाएंगे, और अगर आलेखन बना रहे हैं तो प्राकृतिक दृश्य नहीं बनाएंगे। तो इसमें देखिए आलेखन, देखिए एक 18 सेमी व्यास वाले वृत्त में छत के लिए उपयुक्त सुंदर एक सुंदर एवं मौलिक आलेखन की रचना कीजिए। वृत्त को सुंदर भागों में विभाजित कीजिए। आलेखन किसी भी भारतीय पुष्प पत्तियों एवं कलियों पर आधारित होना चाहिए। यथास्थान कोई पक्षी की आकृति संयोजन कीजिए। आलेखन में किसी भी सुंदर रंग संगति वाले तीन जल रंगों का प्रयोग किया जाए। किसी भी अंश का ट्रेसिंग करना एकदम मना है। आलेखन चादर अथवा पर्दे के किनारे की इकाई के रूप में प्रयोग किया जा सके। इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग संगति, सामान्य प्रभाव आकर्षण, अगर इतना सब आपके आलेखन में होगा तब जा करके आपको इतने 40 अंक मिलेंगे। अथवा अगर आप प्राकृतिक दृश्य बना रहे हैं तो आलेखन नहीं बनाएंगे, अगर आलेखन बना रहे हैं तो आप मतलब इन खंड कम एक प्रश्न करना है, चाहे आप प्रावैधिक कर सकते हैं, चाहे आलेखन बना सकते हैं, या तो प्राकृतिक दृश्य बना सकते हैं। खंड ख, खंड ख में, खंड ख, खंड ख में स्मृति चित्रण होता है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से तैयार कीजिए। चित्र 10 सेंटीमीटर से कम ना हो, जैसे तरबूज, अनानास, सुराही, केतली, इसमें से कोई एक आपको बनाना है जिसके 10 अंक होंगे। चित्रांकन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें। सही आकार तथा रेखांकन, छाया प्रकाश एवं प्रतिछाया। चित्रांकन के लिए 28x25 सेमी माप का कार्टिज पेपर प्रयोग करें। अथवा अगर आप ये सब केतली, तरबूज, अनानास, सुराही, केतली अगर नहीं बना रहे हैं तो आप अथवा में करके निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए। 15 सेंटीमीटर से छोटा न हो। रेखा सौष्ठव एवं आकृति की अनुरूपता पर 10 अंक निर्धारित हैं। बैट बॉल, आम दो पत्तियों सहित, टोकरी, टमाटर।
ये वीडियो समाप्त हुई बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको पूरा देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके बाद मैं अपना अगला वीडियो इसी से रिलेटेड फिर डालूंगी। अगर आप लोग को ये सब इन चित्रों को अगर बनवाना है, नहीं बना पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ये सुराही, केतली, बैट बॉल, आम, दो पत्तियों सहित टोकरी, टमाटर सब बना बना के चित्र भी मैं डाल दूंगी वीडियो में। ओके, बाय।